वेलकम यू ऑल और स्वागत है आप सबका। करंट अफेयर्स फॉर एनवायरनमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सेशन, क्योंकि जो नॉर्मल करंट अफेयर्स हम जानते हैं कब क्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनती है, कब कौन सा डे आता है, हम कुछ न्यू इन्वायरमेंटल करंट अफेयर्स को देखेंगे। रिसर्च एस्पेक्ट से बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको नए टॉपिक्स भी मिल सकते हैं रिसर्च के और आप अपडेटेड रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे चैनल हैं, जल्दी से उन्हें ज्वाइन करिए। टेलीग्राम और इंस्टा पर बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, वी हैव टेकन दिस फ्रॉम डाउन टू अर्थ। शालीग्राम्स वर्कशिप बाई हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से अब रेयर होने जा रहे हैं। शायद आपने देखा होगा, एक स्टोन टाइप का होता है, हिंदू एंड बुद्धिज्म में बहुत ही सैक्रेड माना जाता है इनको। तो ये जो शालीग्राम है इसकी स्टोरी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी आप जान पाएंगे। लेकिन अभी की आप ये कहानी जानिए कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहे हैं, दुर्लभ होते जा रहे हैं, रेयर होते जा रहे हैं। चलिए कहानी समझते हैं। तो दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज़ नेपाल एंड दिस इज़ चाइना। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दिस इज़ काली गंडक रिवर। ये जो रिवर है काली गंडक, अगर हिंदू माइथोलॉजी में हम जाते हैं तो स्टोरी शायद आपको पता हो कि वहाँ पर क्या होता है। वहाँ पर जो विष्णु जी होते हैं उनको श्राप मिल जाता है और वो बन जाते हैं स्टोन पत्थर के स्वरूप में। मैं ज़्यादा स्टोरी के कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाऊँगा। तो उस हिसाब से ये जो रिवर है काली गंडक रिवर, इसमें शालीग्राम मिलते हैं और नेपाल का जो एरिया है नॉर्थ का, वहीं शालीग्राम सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड में मिलते ही हैं। तो हो क्या रहा है, अगर आप हिंदू माइथोलॉजी बुद्धिस्ट माइथोलॉजी से देखें तो वो सैक्रेड रिवर है, वहाँ पर मिलते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, ग्लेशियल यानी ग्लेशियर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहे हैं और माइनिंग भी की जा रही है रिवर में, इस वजह से शालीग्राम गायब होते जा रहे हैं। क्योंकि होता क्या था, जो काली गंडक रिवर है जिसमें शालीग्राम मिलता है वो आता था ऊपर के सदर्न प्लेट्यू चाइना से वाटर। वो वाटर जो आता था वो अब ग्लेशियर ख़त्म हो गया रहा है, गल रहा है, इस वजह से वो पानी नहीं आ रहा। इस वजह से वो जो ग्रेवल बनता था या जो सैक्रेड स्टोन जिसे हम विष्णु जी का अवतार मानते हैं हिंदुइज्म में, वो शालीग्राम अब मिलना बंद हो गए हैं। दूसरी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जानते हैं, माइक्रोप्लास्टिक मिल चुका है ह्यूमन हार्ट में। आप कहेंगे हम अक्सर सुनते रहते हैं वाटर में मिला, एयर में मिला, बिल्कुल अब तक ये सॉयल एयर वाटर हर जगह मिला था, ह्यूमन बॉडी में ये वहाँ से आता था, लेकिन पहली बार ये हार्ट में मिला है। ये ब्लड में तो मिल चुका था, हार्ट में नहीं मिला था, ये कहाँ से आया, एक स्टडी इसकी स्टोरी जानते हैं। तो एक पायलट स्टडी हुई, रैंडम स्टडी, ये एक जर्नल है, आप जाके देख सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, ACS इन्वायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसमें क्या कर किया है इन्होंने, इन्होंने माइक्रो प्लास्टिक पाया है लेस देन 5 mm वाइड, यानी कि इरेजर जो रबड़ है लगभग लगभग उसका और उसके छोटे साइज़ का, जो बहुत ही छोटी रबड़ होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, इन्होंने 15 कार्डियक सर्जरी करने जो लोग आए थे उनके ब्लड सैंपल लिए, प्री मतलब सर्जरी के पहले, पोस्ट सर्जरी के बाद, और उस दोनों में ही 15 के 15 लोगों में आपको जान के अचरज होगा कि माइक्रोप्लास्टिक मिला है। माइक्रोप्लास्टिक बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव होता जा रहा है। अगली खबर की बात करते हैं, तो आप देखेंगे डाउन टू अर्थ से हमने फिर से लिया है, इन अ वार्मर वेटर वर्ल्ड पेस्ट आर मल्टीप्लाइंग। पेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और पेस्ट बढ़ना आप कहेंगे नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इंडिया के लिए बात करें तो देखिए, यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया, जो कि टी चाय के लिए, चाय की बागवानी का एक एसोसिएशन है, उसने स्टेट गवर्नमेंट से कहा है प्रेस रिलीज करके, द टी मॉस्किटो बग, एक टी मॉस्किटो बग है जो वहाँ पर मिलता है वो हानिकारक है। इट हैज़ इंजीरियस इम्पैक्ट टू द टी प्लांटेशन। ये एक हेलोपेल्टिस एक स्पीशीज़ है, एच हेलोपेल्टिस। ये अब हो क्या रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हाई एलिवेशन प्लांटेशन में भी मिलने लग गया है, यानी कि पहले ये लो एरिया में होता था, तमिलनाडु में होता था, लेकिन अब ये पहुंच चुका है सिक्किम में।
The pest destroyed 40% of my pearl millet in just 15 days. सिर्फ 15 दिन में 40% पर्ल मिलेट को इन्होंने ख़त्म कर दिया. ये इनका रेट है डिवास्टेशन का. नाउ दिस इज़ ऑन द गार्जियन. एयर पोल्यूशन लिंक टू राइज इन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस दैट इम्पेरिल्स ह्यूमन हेल्थ. इसका मतलब है एयर पोल्यूशन डायरेक्ट रिलेटेड है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से. तो ये इस वजह से हो चुका है क्योंकि जो PM2.5 का पार्टिकल है वो अपने अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया को रखता है. और जब PM2.5 के पार्टिकल्स ट्रांसफ़र होते हैं तो वो अपने साथ इनको भी लेके जा रहे हैं और ट्रांसफ़र कर रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम द हिंदू. इन्वेजिव वीड थ्रेटन्स एलिफेंट हैबिटेट्स इन तमिलनाडु. So there is an invasive species, Ludwigia peruviana, and this is threatening the elephant habitat. So ये कर क्या रहे हैं, जहाँ पर हाथी हमारे रहते थे उनका हैबिटेट होता था, ये उस जगह को क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं. तो उनका जो फॉर्डर होता था यानी वो जो प्लांट खाते थे उसको भी ख़त्म हो रहा है. जिस जगह पर वो रहते थे उस पर भी ये आ गए हैं और इस वजह से वो कहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं, तो वो आएंगे अब ह्यूमन की जगह पर. और इस वजह से ह्यूमन मैन, ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा. तो इसके बारे में और अगर आप जानना चाहते हैं तो इसे कहते हैं प्राइम रोज विलो. ये एक येलो कलर का बहुत ही सुंदर देखने में एक पेड़ है जिसमें कि फूल एक उगता है. इसी वजह से ये ऑर्नामेंटल है यानी सजावट के लिए, देखने में अच्छा होने के लिए इसको लगाया गया था. ये साउथ अमेरिका की स्पीशीज़ है, एशिया की नहीं है, और अब ये डिस्टर्बेंस इकोसिस्टम में क्रिएट कर रही है. थैंक यू.